उत्तराखंड के ऋषिकेश में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी हत्याकांड ने एक बार फिर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस निर्मम तरीके से 19 साल की अंकिता की हत्या की बात सामने आ रही है, वो अपने आप में चौंकाने वाला है। पुलिस इस मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। बीजेपी नेता और राज्य के पूर्व मंत्री विनोद आर्या का बेटा पुलकित आर्या इस मामले में मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, जो रिसॉर्ट का मालिक है, जबकि दो और आरोपी सौरभ और अंकित भी इस गुनाह में शामिल थे। बता दें कि अंकिता भंडारी 18 सितंबर 2022 से गायब थी। मामला बढ़ने और पुलिस की कार्रवाई से शुरू होने के बाद अंकिता की गुमशुदगी मामले में गिरफ्तारियां हुई, तब जाकर पूरा सच सामने आया। आरोपियों ने पूछताछ में अंकिता को चिल्ला नहर में धक्का देने की बात कबूल की थी, और हुआ भी वही। चिल्ला नहर से अंकिता का शव बरामद कर लिया गया। बता दें कि यमकेश्वर स्थित पुलकित आर्या के रिसोर्ट में अंकिता भंडारी रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि तीनों आरोपी अंकिता पर कस्टमर से अवैध संबंध बनाने का दबाव बनाते थे। 17 सितंबर को उसका पुलकित से झगड़ा हो गया था। उसके बाद दो बाकी साथियों के साथ वो चिल्ला नहर की तरफ गई थी। उसके बाद उसके वापस नहीं लौटने का मामला सामने आया। पूरे मामले को पहले गुमशुदगी साबित करने की कोशिश की गई। पुलिस में मामला जाने के बाद जैसे ही पूरे मामले की जांच शुरू हुई, चीजें सामने आने लगी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और बाकी तमाम सूत्रों को जोड़ा और तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। पूछताछ शुरू हुई तो तीनों ने पूरी घटना को उगल दिया। उन्होंने नशे में अंकिता भंडारी को चिल्ला नहर में धकेलने की बात स्वीकार कर ली। अंकिता मर्डर केस ने पूरे उत्तराखंड में माहौल को गर्मा दिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी के आदेश के बाद डीआईजी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। पूरे मामले में जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही गई। इससे पहले उस वक्त लोगों का गुस्सा फूट पड़ा जब पुलिस आरोपियों को अपने साथ ले जा रही थी। स्थानीय लोगों ने आरोपियों की गाड़ी पर पथराव कर दिया। किसी मुश्किल से पुलिस आरोपियों को वहां से निकाल कर ले गई। वहीं गुस्साए लोगों ने आरोपी पुलकित आर्या के रिसॉर्ट को भी नहीं छोड़ा। रिसॉर्ट पर पथराव किया और उसके शीशे तोड़ डाले। ये वही रिसॉर्ट है जहां अंकिता काम किया करती थी। वहीं मामला बढ़ता देख सीएम धामी खुद एक्शन में आ गए। उनके आदेश पर रातों रात पुलकित आर्या के रिसॉर्ट को बुलडोजर से ढा दिया गया।